प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधि विधान के साथ पूजा कर चूना भट्टी थाना के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर एडीजी साई मनोहर, डीआईजी इरशाद वली, एसपी साउथ साई कृष्णा थोटा, एएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारी सहित विधायक पीसी शर्मा और रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। वैसे चूनाभट्टी थाना जो है एक प्राइवेट परिसर में संचालित हो रहा था। नए थाने की नींव काफी समय पहले रखी गई थी, भूमि पूजन भी हो गया था, बट कोरोना के कारण काफी लेट इस थाने का भी उद्घाटन हो पाया है। थाना आज से ओपन किया गया है और संचालित होना शुरू हो गया है। सर, क्या क्या सुविधाएं थाने के नई हाई टेक बिल्डिंग में? थाने में काफी सुविधाएं हैं। सबसे अच्छी तो जो हमारे स्टाफ है उनके लिए बैरक्स बने हुए हैं बहुत सारे। इंडिपेंडेंट विवेचकों के लिए रूम्स हैं। जो हवालात है वो भी काफी सुरक्षित तरीके से बनाए गए हैं। उसी के साथ थाना प्रभारी का कक्ष अच्छा है और जो बाहर जो विक्टिम या फिर जो यहाँ पर फरियादी आते हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधा है। बिल्डिंग का निर्माण होने से क्या सुरक्षा है? नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका लोकेशन काफी अच्छा है, ये चारों तरफ से प्रॉपरली गार्डेड है, तो उस तरीके से कैंपस काफी अच्छा है और अंदर काफी सुविधा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।